तो मिलवाते हैं मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किसी मंदिर में मौजूद हैं और इसके साथ ही हमारे साथ में भंवर पुष्पेंद्र जयपुर में मौजूद है और पीछे इनके साथ में काफी भीड़ है। सबसे पहले मकरंद जरा आप बताइए, आप मंदिर में हैं, दुआएं वहां पर चल रही हैं, लोग भजन कीर्तन भी कर रहे हैं, माहौल क्या है? देखिए मैं सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक चल रहा है और तमाम जो यहाँ पर पुजारी गण है, श्रद्धालु गण है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर आराधना कर रहे हैं कि इस बार चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग अच्छे से हो जाए। यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार भगवान शिव से ये आराधना की जा रही है सावन के इस महीने में कि चंद्रयान इस बार सुरक्षित लैंड हो। दक्षिणी ध्रुव जिस तरह से महत्वपूर्ण है और ये विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। आज की इस आराधना का क्या उद्देश्य है और कितनी लंबी आराधना आप करने वाले हैं? भगवान शिव का गढ़ है चंद्र, चंद्र हो जिसके शिखर पर वो चंद्रमा, चंद्रशेखर, भगवान शिव का नाम इसीलिए चंद्रशेखर पड़ा है क्योंकि उनके शीश पर चंद्रमा विराजमान है, जैसे नंदी जैसे सर्प उनके गढ़ है वैसे चंद्रमा भी उनका गढ़ है। और भगवान का गढ़ जब जाएगा तो उसकी सफलता लैंडिंग होनी है। इस वक्त तो वैसे भी सृष्टि की पूरी बागडोर भगवान शिव के हाथ में, 3 महीने जब भगवान विष्णु जो है पाताल लोक को चले जाते हैं तो सृष्टि की पूरी बागडोर इनके हाथ सौंपते हैं, तो इनका गढ़ सफलता हासिल करेगा। संस्कृति बचाओ मंच यहाँ बटुकों के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर रुद्राभिषेक हम कर रहे हैं। आपने तिरंगा पीछे लगा रखा है, चंद्रयान 3 की एक तस्वीर लगा रखी है, ईश्वर से प्रार्थना आप लगातार कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि इस बार सफल लैंडिंग हो? देखिए ये तो निश्चित है कि भगवान और तिरंगा हमारे राष्ट्र है, हमारा हिंदुस्तान उसकी शान तिरंगा है, उनके लिए हम यह अनुष्ठान कर रहे हैं। हर नागरिक का, हिंदुस्तान के हर नागरिक का यह इच्छा है कि देश जो है हमारा देश सेल शिखरों पर ऊंचाइयों पर अपना कीर्तिमान स्थापित करे। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोगों से बात भी करते हैं कि उनको किस तरह की अपेक्षाएं हैं इस बार, और साथ ही साथ हम लोग अलग अलग लोगों से भी चर्चा करेंगे कि क्या उम्मीद है, कितनी उम्मीद है। मंदिरों में पूजा पाठ का दौर जारी है, अलग अलग शहरों में लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं सफल और सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर के। भंवर पुष्पेंद्र जयपुर से हमारे साथ जुड़े, भंवर मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे कुछ युवा मौजूद हैं और चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूरे देश से लोगों की उम्मीदें जो हैं और नजरें हैं वो कल के खास दिन पर है, क्या सोचते हैं आपके पीछे लोग, जरा बात कीजिए उनसे। जी बिल्कुल, नजरें ठिकी हुई हैं लोगों की और लगातार ये टेलीविजन देख रहे हैं, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तैयारियां कर रहे हैं जयपुर में रह करके, इनसे जरा बात कर लेते हैं, कैसा उत्साह है कल लैंड करेगा हमारा चंद्रयान? सर काफी जोर से उत्साह है कि फर्स्ट टाइम हम है ना साउथ पोल में मतलब उतर जाएंगे और ये इससे हमारे देश की काफी अच्छी प्रगति होगी और हमें काफी नए एविनेशन देखने को मिलेंगे। सर चांद पर तिरंगा होगा? बिल्कुल चांद पर तिरंगा होगा और हमारा एक देश की जो एक आइडेंटिटी है वो एक पूरे जो वर्ल्ड के अंदर यूनिकनेस उसके अंदर आएगी और उसके अंदर हम है ना मतलब उसके अंदर इनोवेशन भी करेंगे बहुत सारे। ठीक है, पूरी दुनिया की निगाह टिकी है, आपकी भी टीवी पे टिकी हुई है? जी सर, देखिए पहले जब लॉन्च हुआ था उस टाइम भी हम काफी मतलब पूरा नजरे गड़ाए बैठे थे, मोबाइल पे लाइब्रेरी में थे उस टाइम भी और अभी भी, जब ये लैंड होगा तो बहुत इंतजार है, पूरी दुनिया देख रही है तो हम इंतजार कर रहे हैं कि बस जल्द से जल्द इंडिया को सफलता मिले और हम एक नई कामयाबी की इबादत लिखे। अब टाइम्स नाउ नव भारत लगातार कवरेज दिखाएगा, महा कवरेज, निगाह टिकी हुई टीवी पे? यस सर, निगाह टिकी हुई हमारी टीम। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ चंद्रयान 3 था जो हमारा लॉन्च हो रहा है अभी वो साउथ पोल पे लैंड करेगा। देखिए युवाओं में उत्साह है, यहाँ पर पूजा पाठ का दौर जारी है तो हर तरफ से इस मिशन के सक्सेसफुल होने के लिए कामनाएं और दुआएं यहाँ पर की जा रही है।